दिल्ली के बिंदापुर इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी और उसके बाद थाने में जाकर खुद को सरेंडर कर दिया। जिस शख्स ने प्रेम विवाह किया और जन्म भर साथ निभाने की कसमें खाई, ऐसा क्या हुआ कि उसी शख्स ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी का नाम उमेश है। खास बात ये रही कि हत्या करने के बाद उमेश अपनी पत्नी मीनाक्षी के शव के पास बैठकर पहले खूब रोया और फिर खुद ही थाने जाकर पुलिस को बताया कि मैंने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है और उसका शव मेरे फ्लैट पर पड़ा है। ये दिल दहला देने वाली वारदात दिल्ली के बिंदापुर इलाके की है। पहले गला दबाया, अब गला काट दिया, पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा हमारी बच्ची को, हमें तो पता भी नहीं है कि हमारी बच्ची के साथ करा क्या सारा, और उसको बिठा रखा है इतने आराम से सेजों पर, अभी उसको कल परसों छोड़ देंगे लोग। मीनाक्षी का मायका बिंदापुर DDA फ्लैट में ही है। 1 अप्रैल 2008 को मीनाक्षी ने उमेश से प्रेम विवाह किया था। उमेश जनरेटर का काम करता है। उमेश की ये दूसरी शादी थी। पहली पत्नी से उसका तलाक हो गया था। पहली पत्नी से उमेश की एक 15 साल की बेटी भी है। 3-4 साल उसको अपने पास रखा, उसको बहला फुसला के फिर ले गया उसको बिंदापुर थाने में, हमने दावड़ी थाने में सब जगह उसकी रिपोर्टें करा रखी है, पर इनके पास एक भी उसकी रिपोर्ट नहीं होगी, एक भी नहीं होगी, क्योंकि वो इन्हें खिलाता था, नोट भी खिलाता था इन सारों इन पुलिस वालों को। क्या नाम? मीनाक्षी के परिवार वालों का आरोप है कि शादी के बाद से ही उमेश मीनाक्षी को तरह तरह की यातनाएं देता था, मारता पीटता था, जिसके चलते मीनाक्षी ने कई बार बिंदापुर थाने में इसकी शिकायत भी की थी। लेकिन उस वक्त पीड़ित मीनाक्षी की पुलिस ने एक न सुनी। पुलिस ने मौका मुआयना कर आरोपी पति उमेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन उमेश ने अपनी पत्नी मीनाक्षी की हत्या क्यों की, इसके कारणों का अभी तक पता नहीं लगा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि उमेश ने आखिरकार मीनाक्षी का कत्ल क्यों किया। कैमरामैन ललित के साथ तिवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।